So, students, yesterday we had discussed natural methods of vegetative propagation. Today we are going to discuss artificial methods of vegetative propagation. Right? So, very first topic or very first method which we are going to discuss is cuttings. So, bachche, before we discuss cuttings in detail, let me first tell you the beneficial or the importance of artificial method of vegetative propagation, right? See, kal apa discuss kita si vegetative propagation jede hai, o do tarikya naal hundi hai, naturally, apne aap te artificially. Hun artificially asi kyun karwane hai? Horticulturists ne, गार्डनर्स ने वो इस मैथड्स नू इस मैथड नू क्यों यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपीगेशन दे क्योंकि नंबर वन इट इज द क्विक मैथड इट हेल्प्स इन क्विक प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स नवे प्लांट बहुत ही जल्दी बनते हैं क्विकली बनते हैं एंड नंबर टू असी दो डिफरेंट प्लांट्स दिया गुड वेराइटीज नू कंबाइन कर सकते हैं नंबर वन क्विक है जल्दी हो जाता है जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाता है नवा प्लांट बन जाता है एंड नंबर टू असी टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स नू टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स नू दी वैरायटीज नू दिया क्वालिटीज नू असी कंबाइन करके एक न्यू प्लांट जनरेट करा सकते हैं सो इस करके ए वाला मैथड गार्डनर्स ते हॉर्टिकल्चरिस्ट इनू एम्पलॉय कर रहे हैं सो आर्टिफिशियल मैथड्स का सब तो फर्स्ट जरा सी टाइप डिस्कस करन जा रहे हैं दैट इज कटिंग्स सो बच्चे इस मैथड दे विच की है असी स्टेम दिया कटिंग्स भी लै सकते हैं असी रूट दिया कटिंग भी लै सकते हैं असी स्टेम दिया कटिंग भी लै सकते हैं असी रूट दी कटिंग भी लै सकते हैं असी लीव्स दिया कटिंग्स भी लै सकते हैं मीन्स असी प्लांट दे वेजिटेटिव पार्ट दे कटिंग्स लैके छोटे जी कटिंग्स लैके ओदे तो असी की डेवलप करावांगे कंप्लीट प्लांट मेनली असी स्टेम कटिंग्स दी एग्जांपल लैके डिस्कस करांगे बट रूट ते लीव्स दी कटिंग्स भी लै सकते हैं सो सब तो पहले आपां डिस्कस रूट कटिंग्स कर लैने हैं रूट कटिंग्स दे विच की असी पीस ऑफ रूट लैने हैं ओनू आर्टिफिशियली कट किया वाई आई यूज द वर्ड आर्टिफिशियल क्योंकि नैचुरली नहीं चल रहा असी ओनू कट किया कट करके असी ओनू मिट्टी दे विच ग्रो करा दिता इहदे नाल की कंप्लीट न्यू प्लांट डेवलप कर जाएगा सो एक आदि एग्जाम्पल हो जाएगी कटिंग दी असी इहदी स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके चलांगे वी हैव लेमन राइट वी हैव ऑरेंज वी हैव ब्लैकबेरीज सो ए तीन एग्जाम्पल्स ने जिदे विच असी रूट दियां कटिंग्स लेके एक कंप्लीट प्लांट नू डेवलप कराने इट इज वेरी सिंपल टॉपिक स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट असी की डिस्कस करन जा रहे हैं स्टेम कटिंग्स सो असी करदे की हैं हुन जेड़ा ऑलरेडी ग्रोइंग प्लांट है स्पेशली वन ईयर ओल्ड प्लांट है असी ओदी स्टेम दी कटिंग लैके असी ओनू सॉयल दे विच ग्रो कराने हैं ते ओदे तो कंप्लीट प्लांट नू ओरिजिनेट करा लैने हैं एदे विच स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट गल दसन वाली है वो ए है कि जदो असी स्टेम दी कटिंग लैने हैं असी 20 to 30 सेंटीमीटर पीस लैने हैं स्टेम दा 20 to 30 सेंटीमीटर का एक पीस टुकड़ा लैने हो भी स्पेशली वन ईयर ओल्ड स्टेम का ओदे लोअर पार्ट नू स्टेम दे लोअर पार्ट नू असी डिप करदे हां डिप करना मीन्स असी उहनू भिगोने हां असी ओदे विच असी उहनू डिप करदे हां उस पार्ट नू किहदे विच स्टूडेंट्स ग्रोथ हॉर्मोन्स असी प्लस वन दे विच ग्रोथ हॉर्मोन्स पढ़ के आए हां असी इत्थे केड़ी ग्रोथ हॉर्मोन बेटा यूज करनी है स्पेशली मैं तुहानू इहदी एग्जाम्पल दिंदी हां ऑक्सिन्स केड़े असी यूज करनी है ऑक्सिन्स सो ऑक्सिन दी स्पेसिफिक एग्जाम्पल आई बी ए एन ए ए असी ऑलरेडी ए प्लस वन च डिस्कस कर चुके हैं सो 20 to 30 सेंटीमीटर पीस ऑफ स्टेम लैके वी डिप इट इन ग्रोथ हॉर्मोन लोअर पार्ट नू असी डिप करदे हां ग्रोथ हॉर्मोन च फिर असी उहनू सॉयल दे विच प्लांट कर दिंदे हां थोड़े समय बाद ओदे तो एक कंप्लीट प्लांट ओरिजिनेट कर जांदा है सो बच्चे असी इहदी एग्जाम्पल कर लैने हां रोज है शुगर केन है टी है सो ऑन सो वी डोंट नीड एनी अदर पार्ट हेयर वी जस्ट नीड अ कटिंग ऑफ स्टेम
ਉਹ ਵੀ 20-30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਟਿੰਗ, ਜਸਟ 20-30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 20-30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਸਕੇਲ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੈ ਲਓ। 20-30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟੂ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ, ਦੈਨ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਇਟ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਵੀ ਗੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲੀਵਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ ਫਰੋਮ ਸਟੈਮ ਕਟਿੰਗਸ, ਰੂਟ ਕਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਲੀਫ ਕਟਿੰਗਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਐਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਬਿਕੋਜ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਬੋਥ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਬਾਈਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਸਟੋਕ। ਜਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਕ ਐਂਡ ਸਕੀਅਨ। ਸੋ ਸਟੋਕ ਤੇ ਸਕੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੰਬਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ +1 ਚ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਹੈ, ਫਲੋਏਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਟੋਕ ਐਂਡ ਸਕਿਓਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁਗੈਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੈਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਗਰੋ ਇਨ ਟੂ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਗ੍ਰੈਫਟਿੰਗ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਫੌਂਡ ਆਫ ਈਟਿੰਗ ਮੈਂਗੋਜ਼। ਆਈ ਮੀਨ ਕਾਮਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਵੈਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਦੇਸੀ ਮੈਂਗੋ ਐਂਡ ਵਨ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਂਗੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਗੋ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇਸੀ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ 3rd ਮੈਥਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਲੇਅਰਿੰਗ।
सो मैथड का नाम की है लेयरिंग। सो लेयरिंग दे केस दे विच असी की करते हैं, असी स्टेम की एक ब्रांच नू चूज कर लेने जिदे तो असी न्यू प्लांट बनाना है। असी स्टेम की एक ब्रांच नू चूज कर लेने और उन्हों अपने पेरेंट प्लांट नाल ही जुड़िया रहन दिने हैं तद तक जद तक ओदे ते एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप नहीं हो जांदिया, क्योंकि जदों एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होणगियां देन दिस प्लांट विल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंप्लीट न्यू प्लांट, देन दिस ब्रांच विल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंप्लीट न्यू प्लांट। सो असी की करदे हां, एक ब्रांच तद तक उन्हों अपने पेरेंट प्लांट नाल जुड़िया रहन दिंदे हां जद तक ओदे ते एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप नहीं होंदिया। सो इह हुंदा किवें है, सो मैं लेयरिंग दी एक स्पेसिफिक टाइप लैके तुहानूं एक्सप्लेन करदी हां। असी इहनूं कहिंदे हां ग्राउंड और मोंड लेयरिंग, MOUND मोंड लेयरिंग। सो ग्राउंड एंड मोंड लेयरिंग एक स्पेसिफिक तरह की लेयरिंग है। इसे की करते हैं, एक स्टेम जेड़ी थोड़ी फ्लैक्सीबल है, जिदे च थोड़ी फ्लैक्सीबिलिटी है, असी उन्हें बेंड करते हैं। एक स्टेम है जिदे च थोड़ी जी फ्लैक्सीबिलिटी, असी उस ब्रांच नू बेंड कर दें, बेंड मोड़ दें। जो ये सॉयल ना टच हो जाती है, दिस पार्ट दिस ब्रांच जो ये सॉयल दे नाल टच हो जाती है, असी की होंगे टचिंग पार्ट जेड़ा है, जेड़ा पार्ट इन्हें टच करे जो जिस जेड़ी उस ब्रांच ते लीव्स वगैरह उन्हें असी कट कर दिने, असी इन्हू लीव्स नू रिमूव कर दिने। सिंपल जेड़ी ब्रांच है, स्टेम है, असी उन्हें फोल्ड करके, असी उन्हें फ्लैक्सीबल है ना, असी उन्हें बेंड करके सॉयल दे नाल टच करवा दिने। जदों असी इन्हू सॉयल दे नाल टच करा दिने, असी उत्थे एक ना इंजरी लगा दिने, असी उत्थे एक कट लगा दिने। इंजरी मतलब सट कह सकते हो, असी उत्थे एक कट लगाने। जदे असी उत्थे कट लगाने, कट बेटा डिफरेंट डिफरेंट तरीके दे नाल लगाया जांदा, मैं तुहानू हुणे दसांगी किवें कट्स लगांदे आ। सो जदों असी इन्हू कट लगा दिने, उस कट पार्ट ते असी ऑक्सिन्स लगा दें, असी ऑक्सिन्स की सप्लाई कर दें। ऑक्सिन्स यू अंडरस्टैंड ग्रोथ हॉर्मोन्स, सो ऑक्सिन्स अप्लाई कर दें। ओ जड़ा पार्ट है जो असी उत्थे ऑक्सिन्स लगाने, ओ एडवेंटिशियस रूट डेवलप करन च हेल्प कर दिंदी है। सो यह जड़ी ब्रांच है एदे तो एक कंप्लीट न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है, राइट। सो यह है ग्राउंड और मोंड लेयरिंग। हुण मैं तुहानू स्टूडेंट्स क्या सी, जिहड़ी असी ब्रांच जिहनू असी बेंड करके सॉयल नाल टच करा सी, इत्थे इक कट लगाना है। कट तां लगाया सी बेटा बिकॉज असी उत्थे ऑक्सीजन सप्लाई करने है। सो कट जिहड़े ओह डिफरेंट डिफरेंट तरीके नाल लगाए जा सकदे। कट एक रिंग दी फॉर्म च भी लगाया जा सकदा, रिंग मतलब स्टेम दे उत्ते कंप्लीटली एक रिंग दी फॉर्म दे विच कट लाया जा सकदा। असी उहनू बायोलॉजिकली असी उहनू इत्थे रिंगिंग कहने आ, रिंगिंग कट लगाया ना रिंग की फॉर्म चू रिंगिंग कहने, रिंगिंग। उस तो बाद जिहड़ा तुसी कट है वह तुसी वी शेप भी दे सकते हो, लाइक ए स्टेम है इहदे ते इदां वी शेप कट भी दे सकते हो। सो जो असी वी शेप कट दिंदे आ दैट टर्म इज कॉल्ड एज नॉचिंग, ठीक है जी। वी शेप कट जिहड़ा है असी उहनू की बोलदे आ नॉचिंग। देन जिहड़ा तुसी उत्ते ओबलीक कट भी दे सकते हो, ओबलीक कट, ओबलीक दा मतलब हुंदा टेढ़ा कट, ओबलीक कट असी उहनू की बोलदे आ टोंजिंग कहने आ, वी कॉल्ड इट एज टोंजिंग। सो डिपेंड्स तुसी किस तरीके दा कट लगा रहे हो, किस जगह ते कट लगा रहे हो। रिंगिंग राउंड कट हो गया, नॉचिंग वी कट हो गया, टोंजिंग दे विच मैं तुहानू दस्सिया सी ओबलीक ओबलीक टेढ़ा कट दिंदे। सो एक कट डिफरेंट मैथड्स ने ता करके असी इत्थे टर्मीनोलॉजी दसी है, बट बेसिकली ग्राउंड ते मोंड लेयरिंग च की है, असी एक ब्रांच नू बेंड कर दिंदे आ, असी उत्ते कट लगाने आ, इंजरी लगाने आ, असी उत्ते ऑक्सीजन अप्लाई करदे आ, उत्थे एडवेंटिशियस रूट डेवलप करदियां ने। जदों एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर गईआं ते उपर कंप्लीट न्यू प्लांट डेवलप कर जाएगा। सो लेयरिंग दी ही बच्चे असी एक होर टाइप कर लैंदे आ, एक तां असी कर ली ना ग्राउंड और मोंड लेयरिंग, असी एक होर इहदी टाइप कर लैंदे आ, उह वी इंपॉर्टेंट है, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग और इत्थे एक असी टर्म यूज करते हैं गुट्टी लेयरिंग, ठीक है जी। एडे विच एयर लेयरिंग दे विच असी की करते हैं, एक जेड़ी असी प्लांट दी ब्रांच चूज कीती है ओदी असी बारली जेड़ी बेटा बार्क हुंदी है असी उहनू उतार दिंदे, असी जेड़ी इहदे बार बार्क होएगी बार्क असी उहनू रिमूव कर दिंदे। सो असी की करांगे चूजन ब्रांच दी बार्क नू
रिमूव कर देंगे, असीं कह देंगे असीं उन्हूं कट लगा देंगे बेस ते, बार्क वाले पार्ट नूं नीचे वाले नीचे वाली साइड ते जिहड़ी जिहड़ी स्टेम असीं चूज कीती उहदे नीचे वाले साइड तों तुसीं बार्क रिमूव कर दो या उत्ते कट लगा दो। ठीक है जी, असीं उत्ते कट लगा दिता। इस इंजरी ते एक बेनिफिट यह हो गया, जदों असीं इत्थे इंजरी और कट लाता बार्क ते उत्थे एडवेंटिशियस रूट जिहड़ियां उह डेवलप करनियां शुरू कर दे कर जाणगियां। सो कट एरिया ते तुहानूं पिछे वी मैं दस्सिया सी जिहड़े असीं मोंड लेयरिंग करके आए, कट एरिया ते असीं ऑक्सिन अप्लाई करदे क्योंकि ऑक्सिन जिहड़े एडवेंटिशियस रूट्स नूं प्रमोट करदे। सो असीं उत्थे कट और इंजरी दिंदे आ, असीं उत्थे ऑक्सिन अप्लाई करदे आ, उस एरिया नूं थोड़ा थोड़ी नमी दिंदे आ, नमी नमी मीनस असीं इंग्लिश बोलदे मॉइस्ट रखदे आ, नमी दिंदे आ। असीं जदों असीं इहनूं मॉइस्ट रखण लई उहदे असीं उत्ते इक इस पार्ट ते जिथे तुसीं कट लगाया उत्थे तुसीं पॉलीथिन नाल उहनूं कवर कर दिओ। सो जदों तुसीं व्हेन यू कवर इट विद पॉलीथिन तां मॉइस्चर विल बी रिटेन्ड, जिहड़ा मॉइस्चर है उह रिटेन रहूगा। सो कुछ समय बाद असीं की देखांगे उहदे ते की आणियां शुरू हो जाणगियां, रूट्स रूट्स स्टार्ट अपीयरिंग। ठीक है जी, रूट अपीयर हो जाणगियां, जो रूट अपीयर हो जाएगी द स्टेम इज कट बिलो द लेवल ऑफ रूट्स, फिर जी स्टेम है असि ओनू रूट के लैवल से कट कर देंगे। जो असि रूट के लैवल से कट कर देंगे फिर असि ओनू जो स्टेम कट की होगी रूट के लैवल से ओनू तुम सॉयल के प्लांट कर दोगे, सॉयल के लगा दोगे। सो इस जी पार्ट है असि ओनू गुट्टी कहने, दैट इज वाई ए जड़ी लेयरिंग है नू गुट्टी लेयरिंग भी किया जाता है। सो कट फिर असि डिफरेंट डिफरेंट तरीके ना लगा सकते हो, डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। सो असि इत्थे एक एग्जांपल कर लैने आ जिन्हों असि लेयरिंग दे नाल प्रमोट करते हैं वेजिटेटिवली, लीची है, सिट्रस है, गावा है। ठीक है जी, सो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ने जिन्हों असि इस लेयरिंग नाल यूज करते हैं। बेटा जिहड़ी असि पहला लेयरिंग पढ़ी है दैट इज मोंड लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग, बस फर्क इन्ना है कि जिहड़ी ब्रांच है तुसीं उहनूं बेंड करवा के सॉयल नाल टच करा दिंदे हो ते फिर इंजरी लगाने हो ते ऑक्सीजन अप्लाई करदे हो। जिहड़ी असीं एयर लेयरिंग पढ़ी है उहदे च असीं ब्रांच दे बेस ते बार्क ते कट लगा के ऑक्सीजन लगा के असीं उहनूं थोड़ी जी नमी दे के पॉलीथिन नाल कवर करके असी वेट करते एडवेंटिशियस रूट डेवलप करन दिया। एडवेंटिशियस रूट डेवलप करन तो बाद असी रूट लेवल ते उहदी कटिंग कर दिंदे आ, कटिंग करन तो बाद असी उस स्टेम नूं जदों असी रूट लेवल ते कट कर लिया असी स्टेम नूं देन असी फिर तो प्लांट कर दिंदे आ ते न्यू प्लांट जिहड़ा ओरिजिनेट कर जांदा। सो ए सीगी साडे कोल लेयरिंग। सो टूडे वी हैव डिस्कस्ड थ्री डिफरेंट मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपीगेशन, आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपीगेशन। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड कटिंग्स, सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड ग्रैफ्टिंग एंड थर्ड वी हैव डिस्कस्ड एयर लेयरिंग। सो हेयर वी एंड्स विद द टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपीगेशन, और असं यह कह सकते सैक्शुअल असैक्शुअल रिप्रोडक्शन असं इतने एंड करते हैं। नैक्सट वीडियो च फिर असं सैक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करा, बट इतने असं एक होर छोटा जहा टॉपिक कवर कर लें, वॉटर हाइसिंथ एक प्लांट है, इनू टैरर ऑफ बेंगाल भी कहा जाता है। कई बार 1 मार्क का सू क्वेश्चन आ जाता है विच प्लांट इज कॉल्ड एज टैरर ऑफ बेंगाल वॉटर हाइसिंथ। मैं तुम्हें यदा साइंटिफिक नेम भी दस दिनी बच्चे, इशोरनिया EICHORNIA इशोरनिया। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैरर ऑफ बेंगाल ए वाला जरा प्लांट है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक फ्लोटिंग एक्वैटिक पानी दे विच हर्ब है। ठीक है जी बच्चों, ए पॉन्ड्स ते लेक्स दे विच पाई जांदी है, पॉन्ड्स ते लेक्स दे विच पाई जांदी है। पहला तो बच्चे इनू मेनली एक ऑर्नामेंट की तरह यूज किया गया सी, ऑर्नामेंटल प्लांट, क्योंकि इहदियां लीव्स बहुत ही सोहनिया सोहनिया अट्रैक्टिव लीव्स होंदियां ने, बिग लार्ज लीव्स होंदियां ने। बट लेटर ऑन की पाया गया कि यह बहुत ज्यादा तेजी नाल पानी दे विच ग्रो करती है ते वाटर दे लेवल नू
कवर कर लेंदी है। जो ये वाटर दे लेवल नू कवर करती है, वाटर दे विच ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। जो वाटर च ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है तो एक्वैटिक एनिमल्स लाइक फिशिज वो डेड हो जाते हैं। सो ये एक तरह का टैरर बन जाता है, डर का कारण बन जाता है, खौफ का कारण बन जाता है। दैट इज वाई पहला तो इनू ऑर्नामेंटल प्लांट तरह लिया गया सी, बट हुण ये टैरर ऑफ बंगाल के नाम नाल जाणिया जाता है। इशोरनिया मेनली ये एक फ्लोटिंग हर्ब है, मेनली लेक्स ते पॉन्ड्स दे विच पाई जांदी है। जदों ए ग्रो करदी है तां ए मड दे विच, जदों पानी दा लेवल घट हुंदा है तां अपनियां जड़ां नूं नीचे मड दे विच धसा लैंदी है ते बहुत फास्टली की करदी है, ग्रो करदी है। सो ए सी साडा अज दा टॉपिक वाटर हाइसिंथ। सो नैक्सट वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक की हुंदा है, बेसिकली की हुंदा है। लेटर ऑन विल डिस्कस। ओके।